धौलपुर के राजाखेड़ा से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार से चले आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ननंद भौजाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस खबर को सबसे पहले ब्रेकिंग के रूप में R9 भारत ने आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया। इसी कड़ी में यदि हम बात करें इस खबर के विस्तार पूर्वक, तो राजाखेड़ा के अंदर बाईपास रोड पुलिस चौकी के पास आगरा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार के ट्रक ने आगे जा रही महिला को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरीके से कुचला, इसका शव छत-पछत हो गया था। शरीर के अंदर से भी बाहर निकलकर सड़क पर शव उसका बिखरा पड़ा हुआ था। आपको बता दें, दूसरी महिला को गंभीर चोटें आई थी, जिसे अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया था। उनका एक पुत्र भी घायल बताया गया है। गौरतलब है कि पुष्पा पत्नी लक्ष्मी नारायण जाति ठाकुर, उम्र 44 साल, निवासी कल्याणपुर नगला वृंदावन तहसील बाह जिला आगरा उत्तर प्रदेश, तथा उसकी ननंद कांता देवी पत्नी विनोद सिंह, उम्र तकरीबन 45 साल, जाति ठाकुर, निवासी बाबरपुर थाना राजाखेड़ा, जो कि नगर पंचायत के ग्राम रूद का पूरा में एक गमी में शामिल होने जा रहे थे, और उनको रास्ते में राजाखेड़ा के अंदर पुलिस चौकी के पास ही इस भीषण हादसे का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, हादसा होने के बाद महिलाओं को कुचलने के बाद भागते हुए ट्रक को सूचना पर थाना दिहोली पुलिस के द्वारा नाकाबंदी के दौरान मुरैना बस स्टैंड से ट्रक को थानाधिकारी दिहोली सुमन कुमार, एएसआई सियाराम, एएसआई सुरेश, कांस्टेबल भगवान सिंह चौधरी, महेश सिंह से शनिवार अमरदीप, श्याम सिंह एवं एक पुलिस मित्र ने कड़ी मेहनत एवं मशक्कत के बाद घेराबंदी कर चालक सहित ट्रक को जब्त कर लिया है। चालक राजू पुत्र मोदीराम नगला गढ़े रसूलाबाद जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का बताया गया है। आपको बता दें, इस घटना के हो जाने के बाद भीड़ काफी आक्रोशित हो गई थी, जिसने जाम भी लगा दिया था। पुलिस मैं जाप्ते के साथ मौके पर आई थी। आनंद फानंद में इस जाम को कैसे भी खुलवाया गया था। एक रिपोर्ट मनोज राघव के साथ देखें। एक दिन में 1-2 बजे के आसपास आगरा की तरफ से एक ट्रक आया, जिसने रोड पर खड़ी दो लेडीजों को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उससे पहले भी उसने कोई घोड़ा चालक घोड़ा गाड़ी थी उसकी टक्कर मारी थी, फिर वो आगे टक्कर मारता गया, कई लोगों को घायल कर दिया। उसमें 2 लेडीजों की डेथ हो गई। क्या नाम था उन लेडीजों का? नाम एक का नाम पुष्पा, एक का नाम कांता है। ये कांता तो है बाबरपुर की और ये कल्याणपुरा की है पुष्पा। घायल 3 और हैं जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लक्ष्मी नारायण, रामराज और उपेंद्र। ये गाड़ी ट्रक था जो कंटेनर, जिसमें मोटरसाइकिलें भरी हुई थी, इसके ट्रक में चालक ने तेज गति और लापरवाही से चला के उनको टक्कर मारी है। उसको हमने पकड़ लिया है, यहाँ से क्यूएसटी कराई तो दिहोली थाने पर जाके वो पकड़वाया।